हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल टेक्निकल फ्रेंड आरके में। तो आज मैं आपको बताऊंगा आप उबर से कोई भी कैब कैसे बुक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको उबर ऐप डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना, उसमें आपको आईडी बना लेना होगा, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ से कर लेता हूँ ओपन। ओपन करने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार का पेज आपके सामने खुल जाता है, जहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों चार ऑप्शन और ऊपर में दिख रहा है आपको, राइड, ठीक है। तो इस प्रकार के चार ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आपको सबसे फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, राइड पे। राइड पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको लोकेशन आपका आ जाता है ऑटोमेटिक। उसके बाद में दोस्तों आपको कहाँ जाना है उसको यहाँ पर एंटर करना होता है। यहाँ पर हम एंटर कर लेते हैं जहाँ हमें जाना है उस लोकेशन का नाम, ओके। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर मणिपाल, तो ऑटोमेटिक नीचे में नाम आ जाते हैं, वहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटर भी आ गया है। उसके बाद में इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, मणिपाल सेंटर, ओके। तो जैसे मैंने मणिपाल सेंटर पर क्लिक किया, कुछ इस प्रकार का पेज खुल गया जिसमें आपको अवेलेबल रेट के साथ कार यहाँ पर दिखती है, ठीक है। इतनी सारी कार्स या फिर ऑटो यहाँ पर अलग अलग रेट में अवेलेबल है, ओके। तो ऑटो का रेट यहाँ पर 76 रुपये है। उसके बाद में आप अगर ज़्यादा मेंबर है, आपके 5-6 मेंबर है, तो आप यहाँ पर उबर एक्सेल भी सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में उबर गो अगर सिलेक्ट कर दो तो वहाँ पर 4 लोग जा सकते हैं आपके। तो दोस्तों इस प्रकार से हम यहाँ से अपनी कैपेसिटी कितने लोग जाने की है उस हिसाब से हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर उबर एक्सेल पर क्लिक कर देता हूँ क्योंकि 5 लोग जाने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार का पेज आएगा जिसमें आपको कन्फर्म उबर एक्सेल पर क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कन्फर्म उबर एक्सेल पर मैं कर देता हूँ यहाँ पर क्लिक। तो जैसे मैं क्लिक करूँगा दोस्तों, उसके बाद में एक ऑप्शन आपके सामने खुल जाता है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सिर्फ कन्फर्म पिकअप पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद में 4 ऑप्शन आपको आते हैं, मतलब कनेक्ट होने के लिए 4 स्टेप आती हैं जो कि ऑटोमेटिक कनेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सर्चिंग चल रहा है कि आपके नियरेस्ट में कौन सी उबर कैब है, कार है, ठीक है, जो आपने सेलेक्ट की हुई है। आपके नज़दीक में जो भी है वो यहाँ पर जब तक सर्च नहीं होता तब तक यहाँ पर दोस्तों ऐसे ही सर्चिंग चलती रहती है, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 1-2 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। तो जैसे कंप्लीट हो जाता है सर्चिंग में आपकी कार आ जाती है, सामने वाला एक्सेप्ट कर लेता है। तो यहाँ पर गाड़ी नंबर और कुछ डिटेल्स ड्राइवर की यहाँ पर आपके सामने आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर गाड़ी का नंबर भी आ रहा है, उसके बाद में गाड़ी वाले का नाम भी आ रहा है। तो आप अगर गाड़ी वाले से कॉल करना चाहते हो तो यहाँ पर आप कॉल भी डायरेक्टली कर सकते हो या फिर मैसेज भी उसको छोड़ सकते हो, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर दोस्तों डिटेल पूरी देख ली आपने, कुछ इस प्रकार की डिटेल्स यहाँ पर आ जाती हैं। और यहाँ पर दोस्तों आप कौन से रूट से जाने वाले हैं, यह भी रूट यहाँ पर शो होता है, ओके। तो आपकी कार अभी कहाँ पर है, मतलब जब ऑर्डर किया है आपने कार बुक की है तो आपकी कार कहाँ पर, ये पूरी जानकारी यहाँ पर मैप के थ्रू भी यहाँ पर शो होती है, ओके। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ इस प्रकार के पेज आ जाएंगे जिसमें हमें और कुछ नहीं करना, बस वेट करना है। सामने वाला आपको कॉल करेगा, तो जैसे ही कॉल आएगा उबर ड्राइवर आपसे बात करेगा, उसके बाद में आप बोल देना है कि जल्दी आ जाइए, ओके। तो आ गए, जैसे ही आ जाएगा तो आपको पिकअप कर लेगा। दोस्तों इस प्रकार से आप उबर कैब बुक कर सकते हो उबर से। आई होप कि मेरा वीडियो आपको समझ में आएगा। समझ में आए तो वीडियो को लाइक।